सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा बार बार नोटिस जारी किया जा रहा है, उसी के चलते कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार के विरोध में लगातार आंदोलन जारी है। उसी श्रृंखला में आज कांग्रेस द्वारा रघुपति राघव राजाराम मोदी को सद्बुद्धि देव भगवान के नारे लगाकर नागपुर स्थित ईडी कार्यालय के सामने आंदोलन किया गया। भाजपा की सरकार जानबूझकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी कार्यालय बुलाकर तकलीफ दे रही है, क्योंकि जिस विषय में पूछताछ की जा रही है उसमें किसी भी तरह का तथ्य, ये एक साजिश की जा रही है विपक्ष को खत्म करने की, ऐसा विधायक ठाकरे ने आंदोलन के दौरान कहा है। कांग्रेस की ओर से जो है ईडी के विरोध में लगातार आंदोलन जारी है। हमारे साथ विकास ठाकरे जी है, विधायक, उनसे जानेंगे कि लगातार जो है विरोध प्रदर्शन का दौर जो है कांग्रेस की ओर से शुरू है। कल भी आंदोलन किया गया था, आज भी मार्च, विरोध मार्च निकाला गया, क्या बताऊं? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार सोनिया जी और राहुल जी को बार बार ईडी कार्यालय में बुलाकर जो तकलीफ दे रहे हैं, जिस विषय में उनसे पूछताछ हो रही है उस विषय में कोई तथ्य नहीं है, और जानबूझकर इस देश के विरोधी पक्ष के सर्वोच्च लोगों को ईडी कार्यालय में बुलाकर इस देश से विरोधी पक्ष समाप्त करने की और दूसरे को संदेश देना चाहती है कि हम विरोधी पक्ष के सर्वोच्च नेता को ईडी में बुला सकते हैं, तो बाकी नेताओं ने भी समझ लिया जाए। जिस तरह राज्यों की सरकारें इन्होंने खत्म की है और राज्यों से विरोधी पक्ष खत्म करने का इनका प्लान है, और यह इसलिए है कि पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के खिलाफ निर्णय लिए, व्यापारियों के खिलाफ निर्णय लिए, बेरोजगारों के खिलाफ निर्णय लिए और प्राइवेटाइजेशन कर दिया देश का, ये सब छुपाने के लिए बार बार ईडी में बुलाकर सोनिया जी राहुल जी को, इनको इस देश में विरोधी पक्ष हमारे खिलाफ कुछ बोले ना, ऐसी साजिश रच रहे, इसका हम विरोध कर रहे हैं यहाँ पर। तो वही अतुल लोंडे बोले, ये लड़ाई ईडी या किसी संस्था के विरोध में नहीं है, ये आंदोलन संस्था का गलत इस्तेमाल कर रहे मोदी सरकार के विरोध में है, क्योंकि जिस मामले में सोनिया गांधी की ईडी जांच कर रही है वह मामला 2016 में ही खत्म हुआ था। देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी से सामान्य जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सभी पैंतरे मोदी सरकार अपना रही है। यह आंदोलन किसी संस्था के विरोध नहीं, ये आंदोलन संस्था का जो गलत इस्तेमाल इस देश की मोदी सरकार और भाजपा सरकार कर रही है उसके खिलाफ है। आज देश के सामने मूल मुद्दे क्या है, बेरोजगारी बेताशा बढ़ी है, महंगाई बेताशा बढ़ी है, और ये सरकार इतनी तानाशाह हो गई है कि ये दूध, दही, तूप, घी, इस पर भी टैक्स लगाने पर आमादा है। आम आदमी के जेब पे ये डाका डालते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस सारे मूल मुद्दों से कहीं तो भी ध्यान भटकाने के लिए ये काम जो है मोदी सरकार कर रही है, और उसके लिए एक 75 साल की बुजुर्ग महिला को जो पीड़ित है, कैंसर पीड़ित है, उन्हें तकलीफ दी जा रही है, उनके खिलाफ घृणात्मक कार्रवाई की जा रही है, जिसकी हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं। ये केस 2016 में ही खत्म हो गई थी। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर हिमांशु कुमार ने वैसा रिपोर्ट भी दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सारे केस जो है 7 दिसंबर 2015 को निरस्त कर दिए थे। इसके बावजूद सारे रिकॉर्ड आज भी पब्लिक डोमेन में है। रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास सारे रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड इनकम टैक्स के पास है, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड है। इसके बावजूद अगर तकलीफ दिए जा रहे होंगे तो ये कांग्रेस का कार्यकर्ता, ये मोदी, ये कांग्रेस से डरा नहीं, ये मोदी जी से भी डरने वाला नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ईडी कार्यालय के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान कार्यकर्ता ईडी कार्यालय के गेट के सामने बैठ गए और रघुपति राघव राजाराम मोदी को सद्बुद्धि देव भगवान के नारे लगाने लगे, जिसके बाद कुछ कार्यकर्ता ईडी कार्यालय के गेट की ओर जाने की कोशिश करने लगे, तो पुलिस के कड़े बंदोबस्त के कारण कार्यकर्ताओं की ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। केंद्र सरकार के पास और भी बहुत सारे मुद्दे, जीडीपी गिर चुकी है, बेरोजगारी अपने चरण पे, 45 साल में देश में इतनी गरीबी कहीं नहीं थी, कहीं पर भी नहीं थी, लेकिन केंद्र सरकार ने एक परमाणु बम बनाया जिस बम का नाम है ईडी। जब भी कोई केंद्र सरकार के खिलाफ में सवाल उठाता है या अपनी आवाज उठाता है उसके ऊपर आप ईडी, सीबीआई और ये सब चीजें लगा देते हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर है और वो इंदिरा जी की बहू है, किसी से डरने वाली नहीं। हेलो,
अब तक जो आंदोलन जो शांतिपूर्वक चल रहा था, भजन गा के चल रहा था, आप देख पा रहे हो कि किस तरह से ये अभी आंदोलनकारियों को जो है पुलिस ने कब्जे में लिया है, हिरासत में लिया है पुलिस ने। अब देख पा रहे हो कि आंदोलनकारियों को पुलिस जो है हिरासत में ले रही है। इसमें बड़े विधायक है, विकास ठाकरे है, अग्निहोत्री है, इन सभी को जो है सभी कार्यकर्ताओं को अब पुलिस हिरासत में ले रही है। जो आंदोलन कुछ ही देर पहले शांतिपूर्वक भजन गाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है, और अभी देख पा रहे हो कि सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जो है पुलिस हिरासत में ले रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी करते हुए ईडी कार्यालय में जाने की कोशिश की गई, तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं समेत नेताओं को हिरासत में लिया है। कांग्रेस की प्रभारी सोनिया गांधी को जब से ईडी का समन जारी हुआ है, उसके बाद जो है कांग्रेस जो है पूरे देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। आज भी उसी श्रृंखला में उपराजधानी नागपुर में कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हो कि मेरे पीछे किस तरह से कार्यकर्ता या कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से एक मार्च निकाला जा रहा है ईडी कार्यालय तक, और साथ ही साथ शांतिपूर्वक ये मार्च है। कल भी जो है कांग्रेस की ओर से आंदोलन किया गया था, लगातार कांग्रेस की ओर से ये आंदोलन जारी है। आज भी हम देख पा रहे कड़े पुलिस बंदोबस्त के साथ ईडी कार्यालय पर कांग्रेस का ये विरोध मार्च हमें दिखाई दे रहा है। इसी के साथ जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कड़क पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है। कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ पे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद है इस विरोध मार्च में। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ क्षितिजा देशमुख, डीसीएन न्यूज़, नागपुर।